चाइना। सो आज हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग, हमारे एक न्यू ब्रांच ओपन कर रहे हैं लकड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। तो हम लोग जा रहे हैं एग्जैक्ट चान्हो गुड़गुड़िया मैदान में। तो अभी जस्ट 9 बजे वहाँ उद्घाटन है, तो आप लोग पीछे देख सकते हैं हमारी पूरी टीम जा रही है और बाकी मेंबर लोग राहुल और विपिन वो लोग पहले पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ का सारा अरेंजमेंट दिखाते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। जिस पल का बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ गया, हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं और हमारे बाकी मेंबर लोग कहाँ हैं मैं ढूंढ रहा हूँ। तो देखते हैं कहाँ पे वो लोग। ये भूखड़ लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ छोड़ के, देख सकते हैं कैमरा में आप लोग। सबों को जय शु। और सबों को, हम लोग झारखंडी इसलिए सबों को मेरा जोहार, ठीक है। तो कितने लोग मेरे को जानते हो? जाते हैं लकड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो हमारा एक ब्रांच मांडर में भी है, तो हमारे स्टूडेंट पीछे बैठे हुए हैं वो लोग को पता है, वो हम लोग पास आउट स्टूडेंट लोग हैं। तो मांडर में हम लोग 2 साल से वहाँ पे अपना ब्रांच ओपन कर चुके हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चान्हो में भी एक ब्रांच क्यों ना खोला जाए। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो लोग को यहाँ पे सुविधा होगा, ठीक है। और बाकी इंक्वायरी आप लोग यहाँ पे ऑफिस में आके कर सकते हो। जय जोहार। लकड़ा इंस्टीट्यूट है यहाँ, ये कंप्यूटर का बहुत ही अच्छा शिक्षा देते हैं यहाँ पे। हमारा पास आउट हो गया है यहाँ पे। अभी कहाँ से? तो मेरा नाम अनूप मिंज है और हम लोग, मतलब हम अभी इस कॉलेज जाते थे संत अन्ना इंटरमीडिएट कॉलेज, और जस्ट 1 साल नहीं नहीं 6 महीना ना सर, 6 महीना पहले हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो गया और DCA कंप्लीट किया हमने, और ADCA मतलब इसी में। और सबसे पहले यहाँ पर इतना युवा है और छोटे हैं, सीनियर है, जूनियर है, उनको मैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में बता देना चाहता हूँ। मतलब ये इंस्टीट्यूट जो है, हम लोग वहाँ पे क्लास करते थे मांडर में, और आप यहाँ पे आ सकते हैं पूरा इजीली, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है अगर वो क्लास करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपके सबसे पहले ये डाउट रहता है कि बताने सर कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, स्टूडेंट कैसे हैं, टीचर कैसे हैं। तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप एकदम कुछ भी नहीं जानते हैं, एक कुछ भी नहीं जानते हैं और पूछने में मतलब होता है ना, शर्माते हैं कि पता नहीं क्या बोलेगा, आज तक ही कंप्यूटर खोलने भी नहीं जानता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर, जो है हमारे रोहित सर वो पूरा फ्रीली कोई भी पूरा आसानी से सभी बातों को आसानी से समझा सकते हैं, और अब भी अपने तरीके से। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट, जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, तो उनको इंग्लिश समझ नहीं आता है कंप्यूटर का, तो आप वो भी पूछ सकते हैं इजीली कि सर इसका हिंदी मीनिंग क्या है, इंग्लिश में क्या है, तो ऐसा सब आसानी से समझा सकते हैं। और जैसे सर ने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट को लगभग 2 साल पार हो चुके हैं मांडर में और इसको चान्हो में खोला गया, तो ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि मेरा घर उधर है सौंस साइड, तो जैसा कॉलेज छुट्टी है तो वहाँ तक जाने में काफ़ी टाइम लग जाता था, 1 घंटा। जैसे सिटी गेट में जाने में तो टाइम लग ही जाता है, आप लोग जानिए रहे बिजूपाड़ा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे कि इसने कहा एक बार मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा। तो यह कोई दूसरों का नहीं है,
बल्कि अपने ही लोगों का है और अपनों के लिए। ठीक है, बहुत बार शुरू में एक स्टूडेंट कह रहे थे कि दूसरा एक सेंटर सब जाने में बहुत तकलीफ होती है हमारे बहनों को भी, हमारे भाइयों को भी, कि सर कैसे हैं, उनके साथ बातचीत कैसे रहेगा। तो ये हम ही लोग का आदिवासियों का है और अपने ही भाइयों का है ना, तो शायद ये तीसरा सेंटर होगा, दूसरा है, दूसरा सेंटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर हम लोग कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए नौकरी सबके लिए भी बहुत ज़रूरी है। विपिन कहता है, और ये भैया का बहुत हम लोग को कृपा है कि हम लोग आगे बढ़ने में जो भी डिफिकल्टीज होते हैं सब जगह हम लोग का सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं कि ये करो, ये ठीक सही है, ये नहीं है, सब चीज़ तो। और इसलिए हम लोग भैया के साथ जुड़े हैं कि हम लोग को आगे का मार्गदर्शन हम लोग को बहुत अच्छा से कर रहे हैं, और बाकी तो आप लोग आएंगे तो जानेंगे। राहुल अजाम, और ऐसे तो भैया पहले हम पढ़ चुके थे उनके बाद में, भैया के साथ में पढ़ने के बाद में हमको भैया बोले कि यहाँ पे तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो तो साथ में कैफे में भी रहो और उनके साथ में इंस्टीट्यूट में भी, और साथ ही साथ उनके साथ में अपना बच्चों मतलब बच्चे सबको थोड़ा सा शिक्षा दो। उसके साथ में हम भैया के साथ में जुड़े और अभी तक जुड़े हुए हैं, और उसमें नहीं खींचूँगा, यही पर बात खत्म करता हूँ। और एक बार सबों को थैंक यू, जोहार, जय शिव। फिर से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बीसीए कर रही हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी, इंटरनेट में ही है, और यहाँ बहुत अच्छा लगता है करने के लिए, पूरा फ्रेंडली सब इतनी अच्छी थी, इनका तारीफ कितना करने लगा तभी नहीं होता। शुरू शुरू आए थे तो लगा था ऑकवर्ड फील हो रहा था, पता नहीं कैसा होगा, कैसा कर पाएंगे अच्छे से, नए आए थे ना, तो फिर जब धीरे धीरे बहुत अच्छा लगने लगा, सब पूरा फ्रेंडली है, बहुत अच्छे बताते हैं और समझ में भी आता है, और कुछ भी नहीं जानते थे अब तो लगभग जान ही गए हैं। और पहली बार हम लोग ट्यूशन की तरफ से भी घूमने गए, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के टाइम में सिर्फ पहली बार सर घुमाने ले गए पिकनिक में, और वहाँ हम लोग बहुत कुछ किए थे, बहुत मस्ती किए थे, खेलने को तो सर इतना खिलाए थे, और फिर साथ में वो जीते भी थे, तीन प्राइज जीते थे हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग के टाइम में ही। 26 जनवरी लखनऊ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सेलिब्रेट हुआ था, ये तो गर्व का फील होता है हमको, क्योंकि हम लोग के समय फर्स्ट टाइम हुआ है, फर्स्ट टाइम हम लोग के टाइम में भी ये खुला, तो और अच्छा लगता है कि चलो सब फर्स्ट टाइम हम ही लोग के टाइम में हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगा और अच्छा लगता है। थैंक यू सर, और ऐसे ही हम लोग को हर चीज़ में इन्वाइट करते रहिएगा, भले वो निकल भी जाए क्यों ना। ठीक है, थैंक यू सर। और सृष्टि खलको है, और मैं खुशी से आती हूँ, और मैं DCA कंप्यूटर इंटरव्यूज से कर रही हूँ, तो सर के यहाँ बहुत अच्छा लगता है, और सर जैसा नहीं लगता, मतलब सबके के साथ पूरा फ्रेंडली रहते हैं और हम लोग को बहुत इंजॉय करवाते हैं, बहुत कुछ सिखाते भी हैं, सर के यहाँ बहुत अच्छा लगता है बस। थैंक यू, मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रश्मि मेघा खलको है, और मैं मांडर मल्टी से लकड़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ADCA कोर्स कर रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कोर्स, अच्छे से पढ़ाते हैं सर, अच्छा समझाते भी है, और क्या बोले सारा कुछ नैन्सी बोल चुकी है। एजुकेशन के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होता है, इसलिए अच्छा लगता है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें सुंदर अवसर दिया कि यहाँ पर आने का, और नए इंस्टीट्यूट यहाँ पर खोले उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि सर जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हम जब भी बात करते हैं एक फ्रेंड की तरह हम लोग मिलजुल कर बात करते हैं,